हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राज चौहान और आप देख रहे हैं टेक्निकल पोयो चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कैसे आप आइडिया, वोडाफोन या फिर एयरटेल में आप जो है अपने मोबाइल में जो इंटरनेट डेटा है उसे आप शेयर कर सकते हैं एक सिम से दूसरे सिम में। और इसमें मैं आपको बता दूँ कि आप जो है आइडिया और वोडाफोन में इंटरनेट डेटा के साथ साथ मिनट या फिर आप SMS को भी शेयर कर सकते हैं, यानी कि एक सिम से दूसरे सिम में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर किसी दूसरे का ही अगर आपका जो है इंटरनेट डेटा ख़त्म हो जाता है तो आप आसानी से उसे शेयर कर सकते हैं, यानी कि एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में भेज सकते हैं। तो इसके लिए छोटी सी प्रोसेस है और इसमें आइडिया और वोडाफोन के लिए एक ही प्रोसेस है, लेकिन जो एयरटेल की है वो अलग है। तो इसके लिए मैं आपको जो है दोनों प्रोसेस साथ में बताऊंगा और एयरटेल की आपको अलग से बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आइडिया और वोडाफोन की। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का जो डायल पैड है उसे ओपन करना है और आपको यहाँ पर एक कोड को जनरेट करना होता है जो कि है *121*121 और इसके बाद आपको हैज करके इसे डायल कर देना है। तो जैसे आप इस कोड को डायल करते हैं तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होता है। तो फर्स्ट पे आपको शेयर इंटरनेट का मिलेगा, दूसरा मिनट का, तीसरा आपको मिलेगा SMS का और चौथा जो है वो रिमूव के लिए, यानी कि जो ये सर्विस है इसे आप रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको शेयर इंटरनेट का दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ पर *1 करना है और इसे सेंड कर देना है। तो जैसे आप इसे सेंड करेंगे, इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पर कोई भी आपको जो भी आपको सही लगता है आप उसे प्रेस कर दें। तो यहाँ पर मैं 2 प्रेस कर देता हूँ और इसे सेंड कर देता हूँ। और इसके बाद आपको यहाँ पर उस नंबर को ऐड करना है जिस पर कि आप डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना ही नंबर डाल के देख देता हूँ और इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि ये आपको एक SMS आएगा। तो आपको इसके बाद देख सकते हैं कि थैंक यू, योर रिक्वेस्ट हैज़ बिन सबमिट, यानी कि मेरी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो चुकी है। और इसके बाद मुझे एक SMS आएगा। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं और यहाँ पर जो SMS है वो मुझे आ चुका है, तो हम उसे जो है एक बार देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरी जो रिक्वेस्ट है, यानी कि जो इंटरनेट डेटा को जो शेयर करने की जो रिक्वेस्ट है वो अभी प्रोसेस में है। तो थोड़ी देर बाद ये आपकी जो रिक्वेस्ट है ये प्रोसेस में आ जाती है, तो इसके बाद आपका जो इंटरनेट डेटा है वो शेयर हो जाता है। और इसे आपको बंद करने के लिए क्या करना है, और इसके लिए आपको करना क्या होता है, आपको दोबारा से वही कोड आपको जनरेट करना होता है और इसके बाद आपको जो चौथा जो ऑप्शन है आपको उसे सेलेक्ट करना होता है। और यहाँ पर आपको जो है दोबारा से वही इंटरफेस ओपन होगा और इस सर्विस को बंद करने के लिए आपको करना क्या है, आपको 4 जो आपको यहाँ पर सेंड कर देना है और उस नंबर को आपको यहाँ पर डायल करना है जिसकी आप ये सर्विस बंद करना चाहते हैं, यानी कि आप उसे इंटरनेट नहीं देना चाहते हैं। तो आपको यहाँ से इसे सेंड कर देना है और इसके बाद आपकी जो ये रिक्वेस्ट है ये जो है दोबारा से जो इंटरनेट शेयर की है वो डिसेबल हो जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रिमूव हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों, मैं आपको एयरटेल की जो सेटिंग है उसे बता देता हूँ। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में जो SMS पैड है उसे ओपन करना है और इसके बाद आपको 121 पर आपको एक SMS आपको सेंड करना होता है। और मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि जैसे आप इस पर एक SMS को सेंड करेंगे तो आपको सबसे पहले आपको लिखना होता है ऐड और इसके बाद आपको उस नंबर को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है जिस पर आप जो है इंटरनेट डेटा शेयर करना चाहते हैं। और जैसे आप इसे इंटरनेट डेटा शेयर करेंगे तो इसके बाद जैसे ऐड के बाद आप नंबर को आप यहाँ पर डायल करते हैं तो ये सर्विस एक्टिवेट हो जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एयरटेल की इसलिए जो है आपको लाइव करके नहीं दिखाया क्योंकि मैं एयरटेल यूज़ नहीं करता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही और मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।